नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। जिया थाना क्षेत्र के रामजी चक गांधी गली में रहने वाले सुबोध कुमार के घर में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। अपराधी सुबोध को खोज रहे थे। अपराधियों ने सुबोध की भगनी, उसके बच्चे समेत अन्य छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना लिया। उन पर पिस्टल तानते हुए गोली मार देने की धमकी दी। इसी दौरान बदमाश ने 3-4 राउंड फायरिंग भी की। सुबोध ने के नहीं मिलने पर बदमाशों ने उनके 14 साल के बेटे पर पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया। आरोप जेल से हाल में छूटे बिट्टू व दो अन्य पर है। बिट्टू पर पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है। घटना करने के बाद सभी फरार हो गए। उसके बाद पीड़ितों ने डायल 112 को फोन किया। डायल 112 स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। थानेदार आरके पांडे ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सुबोध ने बताया कि शनिवार की रात गृह वाटिका कमेटी हॉल में बिट्टू से किसी बात को लेकर झड़प और तीखी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद उसने धमकी दी थी कि रविवार को तुमको मार देंगे, जो करना है कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बकौल सुबोध उसके साथ रविवार को दोपहर में बिट्टू व दो अन्य घर में घुस गए। सुबोध का कहना है कि बिट्टू पहले भी जेल जा चुका है। ये जांच के लिए आए हैं कि जैसा दीघा थाना में आवेदन दिया गया विनोद सुबोध कुमार द्वारा, जिनके पिताजी का नाम है रामेश्वर साव, गांधी गली के रहने वाले हैं, उन्होंने आवेदन दिया कि रात में 10:30 बजे किसी व्यक्ति के साथ जो दारू के नशे में था उसे कुछ बहस हुआ। सुबह में 3 बजे बगल के घर से इनके घर में घुस गया और फायर किया इनको, ये बाल बाल बच गए। हम उसी की जांच में आए हैं। घटनास्थल से हमने देखा कि इनके फर्श पर गोली का निशान भी है और 2 ये कारतूस, मतलब उसका जो खोखा होता है, वो बरामद किया गया है। बोले क्या बोल रहे थे? हम इधर से दौड़ के भागे, यहाँ पड़ी आ गए, गेट बंद कर लिए, वो हाथ खोल करके इधर फिर घुस गया। इधर घुसने के बाद सब इधर से घेर लिया, फिर इधर से घेर लिया। तीनों बेटा भी हमारे पीछे पीछे आ गया था। जब गोली हमारा पर चला है, जैसे ही फायर करना चाहे ना, तो हम मार दिए उसका हाथ पर। हाथ पर मारे तो वो गोली का निशान हुआ है, जिसकी पुलिस भी फोटो लिए है।